ये मिलन तो होगा, कहीं नहीं गया है अनुज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो जिस तरह का हमने आज देखा सीन बरखा के साथ अनुज का, उससे एक चीज स्पष्ट हो गई कि बरखा जो है कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। मगर जो हमने नहीं देखा, जो हम देखेंगे उसके बारे में चर्चा तो करना बनता है, जिसकी काफी सारी जो है हमने पहले से ही उसकी निशानियां समझ ली हैं कि कैसे और क्या होगा। तो ये जो मिलन हमें अभी अधूरा लग रहा है, उसको पूरा करने के लिए आगे क्या होने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, ये जो ऑफिस में जो हो रहा है अनुपमा और अनुज का मिलन, जिसकी चर्चा काफी दिनों से चल रही है, और इस मिलन पे दूर दूर तक लोगों की नजर है। जो अंदर के कैरेक्टर है उनकी बात कर रही हूं, जो सीरियल में है। वनराज परेशान है, माया परेशान है, बाकी सब भी इस टाइम पे ध्यान देके रखे हुए हैं कि होगा तो क्या होगा, क्या अनुज और अनुपमा मिलेंगे, क्या होगा। मुझे तो लगता है बाहर बैटिंग भी शुरू हो गई होगी कि क्या मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतनी जो है ये जोड़ी पसंद की जाती है। मगर यहां पे जो सीन हम देखते हैं, जिसमें बरखा कामयाब होती हुई दिखाई देती है, अनुपमा को अंकुश अंदर लेके जाता है, मगर अंदर अनुज दिखाई नहीं देता है। तो सवाल ये उठता है कि अनुज कहां गया। अगर वहां से बाहर जाने का रास्ता है, जो कि होगा, बड़ा बॉस है, सीईओ है, तो वहां से बाहर कोई एग्जिट गेट होगा, तो क्या एग्जिट गेट पे कोई और खड़ा नहीं मिलेगा अनुज को? डेफिनेटली मिलेगा दोस्तों, मिलना ही चाहिए, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी वेलविशर और बरखा की सबसे बड़ी दुश्मन पाखी नहीं दिखाई दी है। पाखी को पता है बरखा किस हद तक जा सकती है, पाखी को यह सब पता है, और मैंने पहले भी कहा था कि पाखी बड़ी सपोर्ट बन के सामने आ रही है। तो अगर अनुज वहां से निकलता है तो वो पाखी को मिलेगा दोस्तों, पाखी वहीं पे रास्ते में अनुज को मिल जाएगी। ये मुझे लगता है ऐसा होना भी चाहिए, नहीं तो पाखी का इतना आगे आके अपनी मां को सपोर्ट करना और इनको मिलाने का प्रॉमिस करना अपने आप से, ये फिर खाली जाएगा, फिर वही रह जाएगा कि जैसे बाकी धारावाहिकों में होता है कि सीन के लिए सीन लिखे जाते हैं, ना उनके आगे कुछ होता है ना उनके पीछे कुछ होता है। मगर इस धारावाहिक में ऐसा अभी तक मैंने नहीं देखा है। अगर कुछ होता है, अगर कुछ बोला जाता है, तो उसका कुछ मतलब आगे निकलता ही निकलता है। अगर पाखी स्पोर्ट में खड़ी हुई है तो पाखी यहीं पे वो स्पोर्ट लेके आएगी। जब बरखा अपने आप में कामयाबी की चरम सीमा पे होगी कि वाह मैं कामयाब हो गई, अनुज तो भाग गया, मेरा कहना सही निकला, मैंने अनुज का ब्रेन ऐसे वॉश किया कि अनुज भाग गया, और अनुपमा कैबिन में एंटर हुई और अनुज वहां पे नहीं है, अनुपमा का रंग उतर गया जो हमने देखा, वो देख के परेशान हो गई। मगर जब पाखी अनुज का हाथ पकड़ के उसको अंदर लेके आएगी, तब तालियां बनती हैं दोस्तों, और ये होना चाहिए, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी है। अगर आज भी अनुज और अनुपमा ये माया और बरखा जैसे लोगों की वजह से नहीं मिलते हैं, तो फिर कोई मजा नहीं है, फिर ये धारावाहिक आम धारावाहिक की तरह ही रह जाएगा, जिसमें बार बार यही चीजें होंगी। हां, आगे मिलने के बाद जो होगा वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि यहां पे अनुपमा के मन में जो सवाल है, जो चीजें हैं, उसके ऊपर भी तो वो बात करेगी, मगर अभी सिर्फ उसको मिलना है। तो मेरे हिसाब से ये जो अभी मिलन अधूरा दिख रहा है, वो पाखी ही उसे पूरा करेगी, क्योंकि आपको याद होगा अनुज और अनुज ने जैसे इनकी पाखी की मदद की थी, पाखी और अधिक की लड़ाई में पाखी को कैसे अनुज ने समझाया था, क्या अब पाखी वही बातें अनुज को नहीं समझाएगी, क्योंकि पाखी ने अभी तक अनुज से कोई बात नहीं की है। तो बरखा की कामयाबी जब उसको लगेगी कि मिल गई है, तब बरखा की नाकामयाबी होगी दोस्तों, तब मजा आएगा, तब लगेगा कि हां अनुपमा अनुपमा है, और उसकी बेटी भी अनुपमा के लिए अब सब कुछ करने के लिए तैयार है,
और बाकी तो देखते हैं, अगर ऐसा होता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है दोस्तों। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.